एग्जांपल दे दें कि जो बच्चे हैं ग्रामीण जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पर जाए, अच्छे पदों में जाए। सभी एक बात और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बोल रहा हूँ तो मुझसे नजरें मिला आप लोगों को, मैंने 9 अगस्त में भी कुछ बहुत अच्छी स्पीच दिया था, आप लोगों ने सुना होगा सही। तो कम से कम जैसे अपन जब भी कुछ देखो हमारे अंदर क्या है कि हम बनना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन क्या होता है एक आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को अपन कैसे परिभाषित करें कि सामने शेर खड़ा है, शेर खड़ा है तो उससे अपन मुकाबला कैसे करेंगे, लड़ तो सकते नहीं सिर्फ भाग सकते हैं। सही सही बात है कि नहीं, शेर से लड़ना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन हम सिर्फ रन कर सकते हैं, जितना दौड़ लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जैसे आप 9th 10th अभी रहने का बच्चा है, अभी 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे होंगे, 9th वाले कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, 10th वाले 11th वाले और 12th वाले, बहुत लगभग रेशो बराबरी है। तो अब अपन शुरू करते हैं काम की बात, कौन कौन भविष्य में कुछ अच्छा बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, वेरी गुड। तो देखिए आप लोगों का सपना है ये, लेकिन वहां तक कैसे जाओगे ये अभी आपको पता नहीं सही। तो देखो अभी तो वर्तमान समय जो है आपके लिए, जो अभी वर्तमान में क्लास में अध्ययनरत हैं, चाहे 9वीं हो 10वीं हो 11वीं हो 12वीं, आज एजुकेशन की बात करें हम, मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूँ कि आज देखो शासन प्रशासन सब चीज तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही। स्कूल खोल रहे हैं लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं सही। अब कोई अगर मान लो स्कूल खोल भी लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे मैथ्स और बायोलॉजी की बात हो रही है, मैथ्स अगर कहीं पे स्कूल में चालू भी हो गया और टीचर नहीं है तो फिर हम मैथ्स नहीं सीखेंगे ना सही। बायो है चाहे आर्ट हो और उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ हम रट्टा मार के पास हो सकते हैं सही। और रट्टा मार के अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है, जब तक हम उस चीज को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं। तो कैसे, आप सबसे पहले एक टारगेट बनाइए, प्रतिदिन यहाँ पे एक न्यूज पेपर आता होगा सही, उसको सुबह ही बढ़िया, अगर आपको भविष्य में कुछ अच्छा करना है तो न्यूज पेपर सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं, मेन मेन चीजें पढ़ना है, क्या क्या चीज दिया है, अभी वर्तमान में जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है क्या क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, ये सभी चीजें उसमें दिया रहता है, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, आप उसको बढ़िया रीड कीजिए। तो उसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल जो हुए हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में जो चयनित हुए उनके बारे में भी दिया रहता है सही। जो अच्छा काम पूरी दुनिया की पूरे मतलब उसमें नॉलेज मिल जाता है, लेकिन अपने को थोड़ा समय निकालना है। अब होता क्या है कि भी आप लोगों की दिनचर्या ऐसी है कि भी आप 11 बजे से स्कूल जाते हो 4 बजे या 5 बजे आते हैं सही, आने में यहाँ तक आने 5 बजे जाते हैं सही बोल रहा हूँ। तो पूरी तरह से अपना क्या होगा कि थकान बॉडी में थकान आ जाती है, मतलब मानसिक रूप से कैसे हो जाते हैं थक जाते हैं, तो उसको रिप्रेस कैसे करें, रिप्रेस ऐसे करें कि देखिए देखो आप स्कूल में जो आपकी दिनचर्या है, आप कितने सब्जेक्ट पढ़े उसको आपने 1 घंटे में पढ़े तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, अगर आपने उसको भी यहाँ पे भी 1 घंटा लगाया तो फिर आपने लगभग लगभग वो चीज को थोड़ा अच्छे से गेन नहीं किया, उसको अच्छे से समझा ही नहीं। स्कूल में 1 घंटा लगता है तो यहाँ पे अपने को आधा घंटा लगना चाहिए, जिस दिन अपन ने पढ़े उस दिन, दूसरे दिन 15 मिनट लगना चाहिए और तीसरे दिन 5 मिनट और चौथे दिन 1 मिनट लगना चाहिए, उस टॉपिक को देखे कि वो चीज हमारे माइंड में क्लियर होना क्लिक होना चाहिए, समझ आ रहा है। तो ये कैसे होगा, तो देखो सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी मुकेश सर ने के बच्चों को बताया भी होगा, आज देखो स्टेज में आने से किस किस को डर लगता है, हाथ खड़े करें। देखो स्टेज में देखो आप इतने यहाँ पे बढ़िया स्टेज यहाँ पर है, बहुत सारे सीनियर जूनियर सब आपके 12वीं तक के बच्चे हैं, सबसे बड़ी समस्या देखो बढ़िया यहाँ पे कभी कुछ बताना रहता है तो यहाँ एक बोर्ड लगाए, जैसे 12वीं वाले बच्चे मैं आपका बता रहा हूँ कि देखो फाइनली आपको स्टेज में आना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, वो जमाना नहीं है कि लोग बुला के दे देते
ये जमाना वो है कि हमको छुड़ा के खाना पड़ता है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिशन। एक अनार 100 बीमार। भारत देश में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, कितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सही समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे करोड़ों बैठे चाहे अरबों बैठे, एक सीट हमारी, और एक सीट हमारी तभी बोल सकते हैं आप जब उसकी पूरी तैयारी आप कर रहे हो, सही सही नहीं बता। आप 10वीं में 12वीं में 99% बना लो, कोई पूछने वाला नहीं। फाइनली आपको IIT करना है या नीट करना है या IAS करना है या IPS करना है, तो आपको कॉम्पिटिशन में आना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन का मतलब यह होता है कि देखो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, 2 सीटें निकली, लेकिन आपको भी वही बनना है, उसको भी वही बनना है, सही? ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, हमारे जिले में बहुत सारे हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में लगभग 51 जिले हो गया, लगभग 52 जिले हो गए, सही? तो 52 जिले में सोच सकते हो कि कितने ज्यादा कॉम्पिटिटर, और देश में कितने कॉम्पिटिटर होंगे, हमको कितने लोगों से कॉम्पिटिशन करना है, सही? आज कभी देखना, इसको प्रैक्टिकली तौर पर मैं बताता हूँ, बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत करते हैं स्टेज में, डांस प्रस्तुत करते हैं, कभी निबंध प्रतियोगिता होती होगी या तो फिर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो उनमें से एक व्यक्ति टॉप करता है, सही? एक व्यक्ति, दूसरा सेकंड टॉपर फिर चलते रहता है, और कुछ लोगों का पता ही नहीं रहता वो कहाँ है, सही बात है? आज देखो हमारे आज़ादी के 73 साल हो गए, लगभग लगभग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, आज़ादी के 73 साल बाद भी भारत की ये दुर्दशा क्यों है, सही? यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर देना, हम बात करते हैं ना विश्वकर्मा जयंती भारत में मनाते कि नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी में डेवलप कौन हुआ? जापान, चीन, अमेरिका, और हमारा देश आज भी ऐसा ही, सही? हमने मोबाइल तो खरीद लिया लेकिन उसका उपयोग क्या है पता नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज में यूज करते हैं उसको, सिर्फ बात करने, सही? मोबाइल से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिस चीज को करना चाहिए, जिस चीज का उपयोग करना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है, सही? बोलते ना कि मोबाइल ही लोगों को, देखो टेक्नोलॉजी आज अगर कोई चीज की जानकारी चाहिए तो फट से गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगी, सही? अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो वो आपको रोड में भी ला सकता है। जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंटों का जो करियर बर्बाद हो रहे ना, उसका कारण मोबाइल ही हो सकता है, सहमत हो? सही बात है कि नहीं? व्हाट्सएप फेसबुक में लग रहे थे, तो ये तो सोशल मीडिया, इससे तो आपको भी टोटली दूर रहना है, सही? मैं बात कर रहा था टेक्नोलॉजी, उससे भी पहले बात कर रहा था मैं भारत देश आजादी के 73 साल बाद ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ पर पूरी नारी शक्ति बैठी, मातृ शक्ति बैठी, आज भी कहीं पे भी होता है ना, बोलते ना कि भारत देश मतलब एक, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बोलते ना लेडीज फर्स्ट बोलते जरूर है, लेकिन यहाँ पर पुरुष प्रधान देश चलता है, चल रहा है? आज देखो इन फ्यूचर में देखो कहीं पे किसी का मतलब किसी महिला या किसी मातृशक्ति का मतलब मातृशक्ति का सरपंच भी होगी तो उसका काम कौन करेगा? उसका पति देव करेगा, सही? सही बोल रहा हूँ? क्या कारण है इसका? तो उसका कारण यह है कि कभी नारी शक्ति ने प्रतिनिधित्व करने का सोचा ही नहीं, और कई जगह तो अवसर ही नहीं दिया गया, सही? समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हर चीज में लड़कियों को मिलता रहा है, बोलते हैं ना 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिल चुका है, लेकिन आप देखो लोकसभा में, संसद में देखो, इतने सांसद में से 2-4 ही लड़कियां होंगी, हमारे मध्य प्रदेश में इतने सारे विधायक होंगे 30 से भी कम लड़कियां हैं, सही? समझ में आ रहे? तो ये बात हो रही आजादी के 73 साल बाद भी आप लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है, सही? क्योंकि हमने कभी अपने विवेक का काम ही यूज ही नहीं किया, इसके बारे में हमने ज्यादा सोचा भी नहीं, हमको जो मिल रहा है उससे ही संतुष्ट हो रहा था। अब वो जमाना नहीं है, अब वो जमाना है, देखो ये वो जमाना है कि मतलब देखो पहले के जमाने में चलता था राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब होता राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन बाबा साहब ने दिया है, क्या दिया है? संविधान, जिसको बोलते लोकतंत्र, राजा वही बनेगा जो हकदार हो, सही? राजा वही बनेगा
जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। तो इसको बाबा साहब ने दिया हमारे जो संविधान निर्माता, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में लोगों को नहीं पता। राइट, आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप देखो इतने सारे बच्चे, अभी कुछ त्यौहार आ जाए तो आप तुरंत स्कूल से छुट्टी मांग के कोई ना कोई बहाना बना के घर चले जाओ। सही बोल रहा हूँ? लेकिन कल परसों आप लोगों की त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी शुरू होने वाला होगा तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। घर में बूढ़ी बन रहे हैं तो उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताओ? तो भैया देखो, जिंदगी में मालूम है स्टूडेंट लाइफ पहली बार मिलता है, जब तक वो लगातार रहता है तब तक एनर्जी वाला रहता है। अगर बीच में गैप हो गया, आपने 2 साल पढ़ाई छोड़ दिया, 3 साल पढ़ाई छोड़ दिया, तो फिर से आपको फिर से धार लगाना पड़ेगा। कोई चीज अच्छा करना है, जैसे हम बात करते हैं पीछे जाते हैं फिर स्पीड पकड़ते हैं, तो एजुकेशन में अगर आपको कंटिन्यू करना है तो गैप मत करो। आज ग्रामीण अंचल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है सर। हम लोग, हमने देखा कि हमारे कोचिंग संस्थान में जो बच्चे आते हैं रेगुलेटरी मेंटेन नहीं करते, कुछ सिविल वाले बच्चे, जो सिविल मतलब जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे चाहे इंजीनियरिंग वाले बच्चे, अब जैसे बात करते हैं कि कोई बायो वाला होगा, बायो वाला कौन? अब जैसे बात करते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। वो कितने भी युग हो जाए ना तो रॉबर्ट हुक का ही नाम है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही किया था कोशिका की। लेकिन 1600 साल बाद कितने प्रधानमंत्री चले जाएंगे, कितने आईएएस चले जाएंगे, कितने डॉक्टर चले जाएंगे, चल बसेंगे, उसकी जानकारी कौन रखेगा? जो प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी करते हैं, जो भविष्य में मतलब चाहे आईएएस आईपीएस या जितने भी जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, तो अगर जिनको जाना है तो वो लोग डेली अपडेट रहे। सही समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आज की दुनिया ऐसी है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से मेहनत अपन ने नहीं किया। कितना भी महान क्यों कोई हुआ होगा भविष्य में होगा और भूतकाल में हुआ होगा, कितना भी महान ताकतवर क्यों ना, उनकी एक लापरवाही ने उसको रोड में लग दिया। वो कैसे? बाहुबली बहुत ताकतवर था कि नहीं? जरा सी लापरवाही ने कटप्पा ने खोप दिया था ना पीछे से। सही बोल रहा हूं? तो जमाना ऐसा है कि आपको कदम कदम पे, मतलब बोलना चाहिए कि कदम कदम बिल्कुल ध्यान से रखना है, आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे कदम सही जगह पर रखे कि नहीं। सही, हम जो चीज पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है? और हमको अगर मान लो कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में नहीं पता, सिलेबस ही नहीं पता। सही, अब सिलेबस को कैसे पता करना है? अपने पास बहुत सारी चीज रखे। अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, जैसे अपन व्यापार सिस्टम में जाते हैं। सही, तो बफर सिस्टम वो चीज उठाते हैं जो हमको पसंद है। सही बोल रहा हूँ? लेकिन जब अपने करियर का चुनाव आता है तो उसमें हम अपनी चीजों का मतलब सही चीजों का चुनाव मतलब सही चीजों को सेलेक्ट नहीं करते। सही, हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं। जब कुछ भी पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा? नहीं। तो हमको सबसे पहले आप जैसे बात करते हैं, स्पेशली मैं बता रहा हूँ 11वीं और 12वीं, अगर आपको भविष्य में कुछ बनना है अच्छा तो पहले अभी टारगेट बना लो, क्योंकि ये पीक टाइम है आपके लिए। 12वीं के बाद कोई टीचर नहीं बोलेगा आपको, सही, कि होमवर्क करो डेली स्कूल आओ, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो 11वीं वाले जितने बच्चे हैं, 10वीं वाले जितने भी बच्चे हैं, सही, तो उन लोग पहले अपना एक टारगेट डिसाइड करना है कि हमको बनना क्या है। सही, फिर बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है वो भी पता होना चाहिए। अगर हमको भविष्य में पटवारी बनना है, मतलब राजस्व विभाग का जो पद होता है पटवारी, अगर पटवारी बनना है तो उसमें पता करें कि सिलेबस क्या है, पटवारी का काम क्या होता है। सही, काम तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन पटवारी एग्जाम चयनित होने के लिए पहले सिलेबस इकट्ठा करें। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि 8 वाले बच्चे में आ जाते हैं कि हमको नीट की तैयारी करना है, 8 वाले बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, वो डॉक्टरेट बन सकते हैं। फ्यूचर में जब वो पीएचडी करेंगे तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, सामने डॉक्टर लगाते हैं। सही, इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टरेट मतलब एक उपाधि होता है, मतलब एक रिसर्च करते हैं वो लोग एक सब्जेक्ट पे, एमएससी के बाद पीएचडी करते हैं तो वो डॉक्टर लगाते हैं।
और जैसे नीट की बात हो रही तो इलाज करने वाले, जैसे मैं इलाज भी करता हूँ और पढ़ा भी देता हूँ, सही, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये नीट है, सही। नीट के द्वारा नर्सिंग जितने भी जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ये सब चीजें अपन जा सकते हैं। अरे यदि किसी का मैथ्स है, मैथ्स जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर उसका एडिशनल बायोलॉजी है तो उसको भविष्य में अगर ऐसा लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जाना, मेरी भी इच्छा हो रही है क्या मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, तो जिसका एडिशनल बायोलॉजी है तो बिल्कुल अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है मेडिकल की तरफ। और यदि बायो वाला है कि वो बोले कि मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो उसको एडिशनल बायोलॉजी रखना पड़ेगा। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ एक मैथ्स होना चाहिए, सही। लेकिन कई सारे बच्चे लोग बैतूल के लगभग लगभग 80% बच्चों को नहीं पता, 80 में से 80%, क्यों? इसमें आप लोगों की लापरवाही नहीं, जो आपको जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर उनको बताना चाहिए कि बायो से क्या क्या बनते हैं, आर्ट से किस किस फील्ड में जा सकते हैं, मैथ से किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उसको कैसे मतलब हासिल कर सकते हैं, ये सब चीजें स्कूल में बताना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है उसका उल्टा। हम बारहवीं पास होने के बाद पता करते हैं कि नीट भी कोई एग्जाम होता है, IIT में कोई एग्जाम होता है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? हमको जानकारी ही नहीं मिल रही तो फिर कैसे पता चलेगा? आज की समस्या में आधे बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है जानकारी के अभाव में, सही बोल रहा हूं? हमको कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा, कोई मार्गदर्शन ही दे रहा कि हमको बनना कैसे क्या करना है, ये किसी को कोई फुर्सत ही नहीं, सही समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, देखो यहां पर आते हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं, मैं आप लोगों से मेरा निवेदन है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखें। बिल्कुल कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि यार हमसे कुछ नहीं बनता, हम सबसे हटके हैं, उसको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं, वो भी गेहूं की रोटी खा रहा है, आप भी गेहूं की रोटी खा रहे हैं, खा रहे। अब जिसके ज्यादा नंबर आते हैं उनसे आप समय निकाल कर बाद में मिले कि आपके नंबर अच्छे अगर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, सही। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उससे पूछ लो, सही सही मान लिया भाई, सही। देखो जब तक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, ये देखो अब कभी है ना एक आध बार और आऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छी और चीजें बताऊंगा। हमारे कोचिंग संस्थान के इतने छोटे छोटे बच्चे सर, उनकी हाइट ज्यादा तो नहीं, कभी मुकेश सर के मोबाइल में देखना है, 11वीं जब 10वीं पास हुए थे तो हम लोगों ने बनाया, इतने छोटे छोटे बच्चे अभी, उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी है, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा नहीं इतने, लेकिन मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ वो 12वीं का बैच है ना, वो पूरे जिले के बच्चों को पटक सकते हैं, इतना गजब बनाया, इतना कॉन्फिडेंस भरा है उनके अंदर, कभी भी कितनी भी पब्लिक रहे वो स्टेज में जाके बोल सकते हैं बिल्कुल शानदार बेझिझक, समझ में आ रहा? ऐसी चीजें आपको भी क्रिएट करना, डेवलप करना। अरे कैसे हुआ, देखो कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, पूरे के पूरे बच्चे तो कई सारे मतलब ऐसा सोच रखते हैं यार चलो ठीक है यार अपन तो पढ़ लेते पास हो जाते हैं क्या करेंगे अपन, सही, ऐसे भी सोचते हैं बच्चे, सोचते हैं कि नहीं? अरे हम लोग भी यही सोचते थे। अब कोई अमीर घराने का बेटा बेटी हो तो सोचेगा बाप ने तो बहुत कमा के रखा है, हम काहे को मेहनत करें, लेकिन गरीब का बच्चा क्या करेगा, सही बात है कि? तो उसके पास तो सिर्फ एक ही चारा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला हूं ये कलयुग है, ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है, जो मेहनत करेगा वही गद्दी पे बैठेगा, सही बात है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिमाग से गरीब नहीं होता, जितना ज्यादा चलाता है उसका दिमाग उतना डेवलप होता है, ये लेमार्क ने कहा है, डार्विन ने। लेमार्क और डार्विन साहब ने ये बोला है यूज एंड यूजलेस, लेमार्क की बात कर रहा हूं, यूज एंड यूजलेस, उपयोग और उपयोग विहीन, जो व्यक्ति अपने दिमाग का जितना उपयोग करेगा वो उतना दिमागधारी होगा और नहीं करेगा तो दिमाग से पैदल होगा, सही, ये लेमार्क ने बोला। और मैं भी यही सोचता था जब मैं पढ़ता था, मैं सोचा यार देखो आज तुम सोच रहे हो मेरी कहानी आप लोगों को बताना नहीं चाहिए,
आज राजा ध्रुवे का नाम आए दिन सोशल मीडिया फेसबुक सब जगह देख रहे होंगे आप लोग। मेरे को मालूम था आज राजा ध्रुवे का नाम ऐसे ही नहीं हुआ है। ना मेरे पापा कोई नेता थे ना कोई अधिकारी थे, समझ में आ रहे। आज जो मेरी पहचान है मेरी खुद की बदौलत बनी, मेहनत के दम से राजा ध्रुवे का नाम बैतूल शहर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा। आप भी कर सकते हो, आपका भी नाम चलेगा। सही मेहनत से मत डर, अगर जो मेहनत से डरता है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप के अंदर इतनी एनर्जी, मैं बोलता हूं ना, आप हमेशा बोलते हैं देखो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो तार के समान हो जिसमें करंट नहीं होता है और उस तार में लोग कपड़े सुखाते हैं। सही, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बॉडी में करंट पैदा करें, इतना करंट पैदा करें कि ट्रांसफार्मर बन जाओ, लोग तुमसे चार्ज होने लगे, ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट। सही, ऐसा आत्मविश्वास क्रिएट करें। सही सही बात है। yes, और ये कैसे होगा, हम मेहनत करेंगे, सही तरह से मेहनत करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तब जाके हो। सही, सबको सोचने की जरूरत है अपने बारे में कि हम क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं। अगर ऊपर वाले ने लाया होगा तो किस लिए लाया होगा, ऐसा सोचा। मैं तो रात दिन यही सोचते रहता हूं, मैं जब तक नहीं सोता हूं ना तब तक दूसरे के लिए जीता हूं, दूसरे के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे कारण कोई व्यक्ति का, कोई स्टूडेंट का, किसी का भला हो, और मैं 24 घंटे में से जब तक नहीं सोता तो सोता हूं तब तक दूसरे की भलाई के बारे में सोचता, कि ये भी मेरे जैसे बने, मेरे से अच्छे बने, इसीलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं, गांव गांव में जा रहा हूं और लोगों की मतलब जगाने का काम कर रहा हूं। सही, कल भी मैंने सोशल मीडिया में बहुत अच्छा पोस्ट किया और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बोला कि देखो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी दीजिए ताकि वो समाज में बैठने लायक बने। आप उनके कारण उनके पेरेंट्स को सम्मान मिले, ऐसा भी होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। yes, sir. बड़े और छोटे का सम्मान करते आना चाहिए आपको। सही, एक विनम्रता भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान पद से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। सही, नहीं तो कलेक्टर बहुत है, डॉक्टर बहुत है, लेकिन पूछते उसको जिसकी वैल्यू है, जिसका व्यवहार। सही, आंकड़ों इंसान को कोई नहीं पूछता। सही बोल रहा हूं। तो आप कैसे बनना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस प्रकार मेहनत करना चाहते हो, किस दिशा में जाना चाहते हो। सही, ये आप पे डिपेंड करता है। आप सोचो, अगर आज सोच रहे, कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार 12वीं तो बहुत दूर है। अरे भैया समय बीत जाता है, पता नहीं चलता। अपन इतने देखो, तुम लोग ये होंगे 12-13 साल 14-15 साल के हो गए होंगे, पता चला क्या, नहीं चला। ये पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक आप एक दर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब मैं हमेशा बोलते रहता हूं, दर्शक ना बने, एक्टर बने। अगर इस दुनिया में आए हो ना, इस दुनिया में आए हो तो ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाते। हमारे जो कुछ, मैं अपनी भाषा से भी बात करने जाऊंगा, किस किस को समझता, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देखो सर बात कर लू ना, है कि स्पेशली जो मावा समाजता टूड़ी के, अच्छा नहीं थोड़ा सुनिए, मावा समाजता जो टूड़ी के, हमारे अंदर बहुत एनर्जी है। लड़ाई झगड़ा तो भेजा मम्मी से, लड़ाई जाता पर पढ़ाई से बिल्कुल चुप मानता, बहुत चुप मानता है। माँ साहब पूछा किसे ना, उठा बैठा ला किसे, लेकिन पढ़ाई तो मारे तो मत पूछे। सही सही बात ही तो मतलब मतलब आज कल के बच्चे ऐसे हो गए कि मार लो माँ साहब, गाली दे दो माँ साहब, लेकिन पढ़ाई के बारे में मत पूछो। सही बोल रहा हूँ। लेकिन अब जमाना ऐसा है, आज से ऐसा होना चाहिए। देखो मैं किस लिए आया हूँ, मैं देखो मेरा जो स्पीच होता ना, उन बच्चों को गढ़ता है जिनको जिंदगी में कुछ करना है। सही, गढ़ना भी चाहिए,
सही। मेरा स्पीच उनको बढ़ता है जिनको जिंदगी में कुछ बनना है, और जिनको जिंदगी में कुछ नहीं बनना है, दर्शक बनना है, तो अभी कोई मतलब की बात नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दर्शक बनने के लिए भी कलेजा चाहिए दादा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मालूम अगर एक्टर एक फालतू चीजें तुमको बताएगा तो फिर दर्शक उतनी देर तक उसको झेल रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा कलेजा होता है दर्शकों के अंदर भी, सही सही कि नहीं बताओ? तो दर्शक भी हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि दर्शक तो ठीक है, आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आपको भविष्य में एक्टर बनने की जरूरत है, सही? एक्टर अपने अपने लेवल में बोलते ना कि देखो हमारे घर के कलेक्टर आप, सही, मतलब खुद के घर के कलेक्टर तो आप ही हो ना, शेर भी हो शेरनी भी हो सब खुद के घर के रहते कि नहीं, क्योंकि दूसरे के घर में दूसरा शेर होता है। तो अपने घर में अपने स्कूल में ऐसा लगना चाहिए कि हम क्लास के टॉपर है, स्कूल के टॉपर है, ब्लॉक के टॉपर है, जिले के टॉपर है। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, सही, पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? yes, कि बस ऐसे सुनने मात्र तक मतलब उसको रखना है। कौन कौन पढ़ाई करेगा इससे पक्का? yes, आवाज नहीं आ रही यार, पक्का? yes, और किसी को कोई समस्या रहती है तो बिल्कुल बता दिया करो, स्पेशली अगर कुछ मैं सर और मैम से कहना चाहूंगा, बच्चों को कोई समस्या रहेगी तो हम लोग संडे के दिन तो वैसे फ्री रहते हैं, बट संडे भी हम लोगों का कार्यक्रम बहुत जगह फिक्स हो रहता है, फिक्स रहता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर आप लोगों के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। और रही बात एक दो बच्चों से मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगा, ऐसा कुछ बताओ कि आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो, कभी कभी कुछ होता है कि आपको स्पीच देने वाला जब रहता है तो ऐसा लगता है कि आप सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, सही, लेकिन पब्लिक के सामने अपन खड़े नहीं हो पा रहे, सही बात है? और मैंने पहले ही बोला हूं हमारे चाहे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि तुम एक शहर के बच्चे हो और शेर जंगल का राजा भी सब जगह का राजा होता है, तो तुमको भी शेर होना चाहिए, सही। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था जब मैं कहीं पे भी जाता हूं तो सभी बच्चों को बोलता हूं पहले नजरें मिलाना सीख, सही। आज बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में बता रहा हूं, जब जाते हैं कोई मां साहब पूछता है तो उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, सर गलती हो गई, सही बोल रहा हूं? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मां साहब आपको पढ़ाने के लिए पैसा लेता है उसके सामने गुलामी नहीं करने का, समझ में आ रहे कि नहीं? आपको 60-70 हजार 1 लाख से ऊपर भी मिलते कई मां साहबों को, तो उनसे गुलामी नहीं करना, अपने उनसे पूछना है कि हमको सर ये नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका अधिकार है, समझ में आ रहा है? ये राइट है, आपका अधिकार है, आपको पूछने की जरूरत है, और सिर झुका के पूछोगे तो वो खुद ही बोलेगा इनको तो कुछ नहीं आता, डरपोक लोग हैं। तो क्या होता है हमारा क्वेश्चन गलत भी हो या सही भी हो उसको नजर मिला के पूछना चाहिए, सही? पूछेंगे आपसे? यस सर। पक्का? यस सर। तो मेरा निवेदन यही है कि आपके अंदर देखो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, आप बस निरंतर पढ़ाई करते बेसिक चीजें सीखें, मतलब जो शुरुआत जो रहता है जैसे आप 11 की बात कर रहे हैं, 11 12th वाले, 11 और 12th वाले स्पेशली मैं बता रहा हूं, ये 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का अगर आपने अच्छा यूटिलाइज किया उपयोग किया तो निश्चित तौर से आने वाले जो समय होगा आपके लिए भविष्य में, समझ में आ रहे कि नहीं? वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जरूरत है 2 साल। और 11th और 12th वाले बच्चे 9th और 10th वाले बच्चे को हैंडल कर सकते, आप चाहो तो यही एजुकेशन हब बन सकता है, सही। आपको थोड़ा सा आता है, बढ़िया सा एक बोर्ड आप जो मैम है यहाँ के उनसे बढ़िया लेके यहाँ लगवा सकते हैं, जिसको आता है पढ़ाना थोड़ा थोड़ा सीखे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टेज में जो डर है वो दूर होगा। एक बार में कोई व्यक्ति स्टेज में थोड़ी ना बोलता है, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि अपन गीत गाने जाते हैं 2 लाइन के बाद भूल जाते हैं, फिर खड़ा लेके जाते हैं चिपटा बना के, सही, फिर उसको पूरा ओपन करके पढ़ लेते हैं। तो धीरे 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 आज मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं भी 11th में मेरे को कुछ नहीं बोलते आता, मैं भी बहुत डरता था, फिर वो डॉक्टर ने वहां इतने मतलब क्या बोलना चाहिए सीनियरों ने इतना कुछ सिखा दिया, फिर वो बहुत
स्ट्रिप वाला काम होता है मेडिकल कॉलेज, तो वहां सब चीजें सीखा और फिर हमने सोचा कि यार बैतूल के बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म में लाया जाए। सही, आज हमारे कोचिंग संस्थान से इतने सारे बच्चे चयनित हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि देखो हमारे समय अगर ऐसे कोचिंग संस्थान होते और हमारे जैसी सोच वाले टीचर उस समय मिलते जो सबको लेके चलने वाली, तो आज बैतूल शहर का नाम पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बचता। इंसान का टैलेंटेड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सोच कितनी अच्छी है वो इंपॉर्टेंट। भारत टैलेंट का गढ़ है, हब है, लेकिन सोची तो नहीं अच्छी। और जब हमारी अच्छी सोच नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही, आज भारत देश, मैं बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो वो केवल एजुकेशन से ही कंट्रोल होगा, और एजुकेशन सिस्टम ही लंगड़ा हो जाएगा तो बाकी तो पूरे लंगड़ा करने में तुले हैं। सही, समझ मारे नहीं? आज अपन बात करते तुम्हारे खोपड़िया में बैलेंस रहेगा, अगर भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा थोड़ा सा डिस्चार्ज भेजा हो तो उसको चार्ज करने की जरूरत है। आज जिसके भी पास इस खोपड़िया में बैलेंस है, जितना अच्छा नॉलेज है, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी रहती है, वो हमेशा ऊपर सोचता है। सही, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक जैसे अपन बात करते हैं मजदूर है, कोई अनपढ़ मजदूर है, तो उसका मालिक कितना पैसा देगा? 100 रुपये, 150, 300, 400, सही, 500, 1000, इससे ज्यादा नहीं देगा। 1000 रुपये देगा भी, लेकिन दिन भर काम करवाएगा। सही, लेकिन आज अगर ऑफिसर बनते हो, अच्छे पढ़े लिखे बनते हो, पढ़े लिखने के बाद कुछ अच्छा बनते हो ना, तो आप डिसाइड करोगे, खुद करे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। सही, ये बात। पढ़ाई लिखाई में इतनी ताकत है कि आप हर चीज को अपनी तरफ खींच सकते हैं, आपके पहचान बनेगी, शोहरत दौलत सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम कुछ अच्छा करेंगे जीवन में। सही, आज जरूरत है, आज जरूरत है नारी शक्ति को, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर, या तो कंधे से भी ऊपर चढ़ के, समझ ना रहे, जरूरत है। मैं सबसे ज्यादा लड़कियों का सपोर्ट करूं, मैं चाहता हूं कि लड़कियां भी ऊपर जाए। सही, आज कई सारे लोग सोचते हैं कि लड़कियां चूल्हा में घुस जाए, खाना बनाए, बस इतना ही। भैया देखो ऐसा नहीं, आज इतना काम करने के बाद भी तो लड़कियों के साथ कई प्रकार के शोषण हो रहे, तो वो जमाना नहीं है कि हमारे साथ शोषण वाला काम हो गया। अब तो तुमको शेरनी बनना है, क्योंकि कहावत नहीं है, हकीकत है कि इतिहास उठा के देखो, आज के जंगल में जितने भी शेर शिकार हुए ना, 100 में से 90% शिकार शेरनी ने किया, शेरनी ने। तो ये जरूरत है आप लोगों को, अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ाई करोगे, मैं निश्चित तौर से बोल रहा हूं, वो दिन दूर नहीं, आपके पास भी वो होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आज के जमाने में लड़कियों के साथ बहुत सारी कुछ उठपटांग, कुछ हरकतें हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी। अब मैं बता रहा हूं उसका इलाज क्या है। आप एक बार कोई लेडी, एक बार कोई लड़की अगर ब्लॉक लेवल में, जिले में और सभी ब्लॉकों में अगर पुलिस डिपार्टमेंट में लड़कियां अगर हो गई प्रशासनिक डिपार्टमेंट में, तो लड़कियों का लेवल इतना हो जाएगा, लड़कियों के साथ कोई शोषण नहीं हो सकता। सही, अगर आईपीएस आपके अंदर ऐसी सोच लाना कि यार हमको कुछ करना है। सही, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारे गांव की बच्ची टॉप कर सकती, वो बन सकती, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। राजस्थान जैसे यहाँ पे स्पीच दे सकते हैं, जब राजस्थान दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? जब ये भावना अगर आएगी तो आप मेरे भी बाप बन जाओगे स्टेज। सही, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आपको सुनने के लिए आपके गांव के अंदर ये पूरे जिले के लोग आएंगे कि भाई क्या करिश्मा हुआ, कैसे हुआ। सही, ये सब चीजें कैसे आएगी, ये आपको कर्म करना पड़ेगा। आज अपन जिस चीज को पूछते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मूर्ति बनाते हैं, उसको कौन बना रहा है? इस भगवान इस दुनिया में ऑटोमेटिक नहीं आया, इस मंदिरों में भगवान ऑटोमेटिक नहीं बैठा, उसको बनाने वाला इंसान है, तो वो भगवान से भी बढ़कर है। कितना मेहनत किया होगा तब जाके पत्थर को फोड़ फोड़ के एक आकार देता है, तो बताओ इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार कौन है? इंसान।
चाहे तो हर चीज कर सकता है, चाहे तो यही स्वर्ग बना सकता है, चाहे तो यही नर्क बना सकता है। सही yes, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, हमारे बीच में चोर पैदा होते हैं, हमारे बीच में अच्छी सोच वाले पैदा होते हैं, और आप पे डिपेंड करता है कि क्या बनना है। सही, आप पे निर्भर करता है कि क्या बनना है। सही, समझ में आ रहा है? Yes, तो आप लगातार अपने हक अधिकारों के लिए देखो भाई, आप देखो कितनी बड़ी बात है कि पहले, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं था किसी भी क्षेत्र में, लेकिन आज देखो छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी, आता है पेपर में? यस सर। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हर एग्जाम में, इस साल देखो, पिछले साल भी और इस साल भी यूपीएससी में, आईएएस में लड़कियों ने टॉप किए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सही, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और इस मेहनत को करने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए हमारे बहुत से, बोलते ना कि बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा, हमारे जो पुराने दोस्त है कई सारी चीजें, नाना मामा त्योहारों को भूलना पड़ेगा, तब जाके आप, आपका ध्यान एक जगह होगा और उस पूरी शक्ति को आप महाशक्ति में कन्वर्ट करोगे, तब जाके कोई चीज को हासिल करोगे। लेकिन उस महाशक्ति को हासिल करने के लिए आपको मालूम है, अभी हमारे बैतूल शहर के बच्चों की बात कर रहा हूं, बैतूल शहर के बच्चे क्या करते मालूम है सर? बारी के बाद वाले बच्चों पर 10 दिन कहीं कोचिंग गए, उनको लगता बहुत हो गया, आफ्टर एग्जाम निकाल लेंगे, फिजिकल वर्क पुलिस ग्राउंड में सबसे ज्यादा बच्चे दिखते हैं मेहनत करते हुए, लेकिन एक छोटी सी पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा। भैया अपन ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, हमको रोड में दौड़ाएंगे तो हम फिजिकल ऐसा ही निकाल लेंगे। भारत में ही मजदूरों की संख्या ज्यादा है, उसका कारण क्या है कि आज भी हम शारीरिक मेहनत पर ज्यादा विश्वास करते हैं, मानसिक मेहनत पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारी दुर्दशा ये। और जिस दिन हमने मानसिक मेहनत कर लिया, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा। सही, तो यही मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप एक बढ़िया सा टारगेट बना के उसको कैसे हासिल करें, क्या करें, ये आप सोचें और पूछें, समझ मारे, किसी से पूछे, नहीं बनता हो तो बिल्कुल, मतलब जो आपके सीनियर बैठे हैं उनसे नहीं बनता तो आपके टीचरों से पूछे, लेकिन पूछे, गूंगा मत बन, गूंगा बनोगे तो उसको कभी कोई चीज नहीं मिलता। ये जमाना ऐसा है दादा कि यहां पर लड़के छीनना पड़ता, बोलते ना कि अवसर इस दुनिया में कभी किसी को नहीं मिलेगा, अवसर खुद बनना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। सही, अगर मान लो अवसर कैसे बनाओगे आप मान लो कोई अधिकारी बन गए, आप जैसे मान लो, मेरी बात करो, मैं पर्सनल मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं डॉक्टर बन के आया और मैंने सोचा कि बैतूल के बच्चे पूरे इंदौर भोपाल कोटा जा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चे क्या करेंगे, तो मैं उनके लिए खुद अवसर बन गया और मैं अकेला यहां पर इतनी बड़ी टीम तैयार कर दिया, हमारी कोचिंग संस्थान बहुत सारे टीचर है और उनके माध्यम से भी हेल्प, उनकी मदद से एक कोचिंग का निर्माण किया, और आज बैतूल शहर के जो बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ गए, जो कोटा नहीं जा सकते, जो दिल्ली नहीं जा सकते, यहीं से वो चीज कर रहे जो दिल्ली में रहकर करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है उनके लिए। इतने बेहतरीन स्थान पे, छोटे स्थान पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये भी हमारे बैतूल जिले के लिए गर्व की बात है। ये किसको करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम, ये मैं डॉक्टर हूं, कुछ सिस्टम ऐसा जुड़ा है, एक डॉक्टर को मास्टर बनने का अवसर दे दिए इस एजुकेशन सिस्टम में। अगर बच्चे टैलेंटेड होते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। सही, लेकिन मैं बाहर से जब पढ़कर आया तो सभी लोग इधर उधर बनाने में सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी जो अपनी समस्या एजुकेशन, इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हमने फिर क्या किया, एक मिसाल कायम करके एक शुरुआत किया, एक करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम कोचिंग के माध्यम से, और गांव गांव स्कूल स्कूलों में जाके लगातार बच्चों को ये मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आज बच्चे को पता है, 10वीं वाले बच्चे को, 11वीं वाले बच्चे को पता है कि 12वीं के बाद उनको कौन सा एग्जाम देना है, कौन से क्षेत्र में जाना है, नहीं तो हमारे समय ये कुछ भी नहीं। सही, अगर ऐसा काम सरकार करे, सरकार के पास पूरा पावर है, उसके पास पैसा है,
लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के बजट से जा रहे हैं। ये काम किसको करना चाहिए? सरकार करना चाहिए। लेकिन सोचो कितनी बड़ी बात है कि डॉक्टर को मास्टर बनाने में मजबूर कर दिया हमारे मध्य प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, और फिर भी हमने बैतूल शहर में इतना जबरदस्त क्रांति किया है, ये पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी जिले में नहीं हुआ, वो बैतूल जिले में हुआ है। बैतूल शहर में क्रांति एजुकेशन में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके लिए तो एक मिसाल है कि भविष्य में अगर आपको कुछ करना हो तो बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी अच्छे संस्थान हमारे कोचिंग संस्था मतलब जिले में आए, आप जहां जाना चाहो वहां जा सकते हैं, सही। लेकिन वही है, मार्गदर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और समझ में आ रहा है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। यहां पर आए हो बेटा तो केवल पढ़ाई का काम करें, क्योंकि आज की दुनिया में देख रहा हूं, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला हूं, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा जरूर देना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स की इज्जत है, आप लोगों को इज्जत नहीं। अगर आप लोग कुछ उठपटांग हरकत करते हो तो आपका नाम खराब नहीं होगा, किसका नाम खराब होगा? इसलिए अपने माँ बाप जो इतने ईमानदारी से, कई कई के पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं, कई मजदूरी करते हैं, कई कुछ करते हैं, सही। तो आप लोग को इतनी मतलब शिद्दत से यहाँ पर मतलब एक आस रख के भेजे हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे और हमारा नाम और जिले का नाम रोशन करेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके लिए, सबसे पहले आपके लिए, फिर मम्मी पापा के लिए और सबके लिए ऐसा मिसाल कायम करना है सक्सेस होगी, समझ में आ रहा है, ताकि लोगों को मतलब आप खुद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, खुद आदर्श बने। लोग आपसे पूछे कि आपने कैसे पढ़ाई किया था, कौन कौन से बुक से पढ़ाई किया था, इसको हासिल करने में कैसा कैसा मतलब कौन कौन से स्टेप अपनाए, ये सभी चीजें आपको बताना चाहिए, मतलब तब जाके वो आपसे पूछेंगे और आपको बताते भी आना चाहिए, सही। जब कोई व्यक्ति है ना, देखो एक मैंने देखा हूं कि देखो अब मैं डॉक्टर हूं तो थोड़ा सा एक वर्ड बोलता हूं, जितना मैं टीचिंग में इतना कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा स्टेथोस्कोप का है, स्टेथोस्कोप का जो मजा है, मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, कई सारे बच्चे लोग वो रहते हैं, लेकिन जितने भी पेशेंटों का इलाज करते हैं हम लोग, तो वो देखो पैर पड़ के जाते हैं, कितना सम्मान होता है, सही। स्टूडेंट भी सम्मान करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि देखो दौलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट शोहरत, सही, शोहरत सम्मान। दौलत तो तुम कैसे भी कमा लोगे, लेकिन शोहरत नहीं कमा सकते, लोगों के दिलों में निवास नहीं कर सकते। लोगों के दिलों में निवास वही व्यक्ति करता है जो पब्लिक के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, उसी व्यक्ति का सम्मान होता है। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया हूं कि आज लोग जगह जगह पे सम्मान करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार हम भी कभी कोई जमाने में स्कूल में पढ़ते थे तो हम आप ही के जैसे बैठे रहते थे और सोचते थे कि कौन सा अतिथि आएगा, क्या बोलेगा। मैं सोचता था कि हम कब बनेंगे सर, और सोच सोच के हमने प्रयास किया और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो हमको हर चीज मिलने लगी, शोहरत भी मिल रही, दौलत भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, और बच्चे लोगों का भविष्य भी मिल रहा है। अगर एक ही बच्चा हमारे कोचिंग संस्थान से चयनित होकर निकलेगा ना, तो जब तक जिंदा रहेगा ना, वो अपने गुरु का नाम कभी नहीं भूल सकता। आप लोग ने मुझे सुना और इतना समय दिया, और स्पेशली सब लोगों को भी, मैम को भी, कि आप हमारी जो टीम को यहाँ पर इतना अच्छा अवसर प्रदान किया, और निश्चित तौर से हम भविष्य में जब भी आएंगे तो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देंगे, और भी वो जितने जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह जो पेपर्स वगैरह होते हैं, हम लोग इनको बेसिक स्पेशली 11th और 12th वाले और 10th वाले बच्चे, इनके लिए हम बहुत अच्छी चीज़ें समय समय पर आपको देते रहेंगे। थैंक यू आप सभी लोगों।